हेलो गाइस, वेलकम टू फायर एज गेमिंग यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट रेंज की फाइट के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों को जैसा कि पता है कि जो लॉन्ग रेंज का फाइट होता है उसको तो आप जैसे तैसे करके विन कर लेते हो, लेकिन गाइस यहाँ पे जो शॉर्ट रेंज का फाइट होता है तो शॉर्ट रेंज की फाइट को विन करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजी प्लस IQ लेवल, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें फॉलो करके आप यहाँ पे शॉर्ट रेंज फाइट को विन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 4 बिल्कुल ही जादुई, बिल्कुल ही सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप यहाँ पे बिल्कुल ही किंग बन जाओगे शॉर्ट रेंज की फाइट की। तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, जो भी दूंगा, और विश्वास करो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज गाइज, वीडियो थोड़ा सा लंबा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर से देखना। मैं 101% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मेरा नाम है प्रथम, आप देख रहे हैं फायर एज गेमिंग यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं टिप नंबर 1 की ओर, और हमारा टिप नंबर 1 है रीड एनिमीज माइंड। मतलब गाइज आपको एनिमी के माइंड को पढ़ना होगा, एनिमी क्या करने वाला है आपके, मतलब इसके बाद एनिमी क्या करने वाला है वो आपको समझना होगा, तभी आप उसके आगे वाला स्टेप लेके आप एनिमी को मार सकते हो। मतलब गाइज आप देख सकते हो एनिमी यहाँ पे मेरे को इस साइड से डैमेज दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे समझना होगा कि एनिमी मेरे को यहाँ से डैमेज दिया, अगर मैं इधर से भागूंगा तो एनिमी क्या मेरे पीछे आएगा या फिर एनिमी उधर से घूम के आएगा। तो आपको यहाँ पे एनिमी का नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो अगर आप समझ जाओगे तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से एनिमी को मार सकते हो, उसके पीछे से जाके उसको चकमा देके, ठीक है। तो इसको आप एक तरफ से बोल सकते हो कि एनिमी को चकमा देके मारना। अब गाइज इसमें आपका हेल्प करेगा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। मतलब गाइज इसमें जो कैरेक्टर आपका हेल्प करेगा उसको बोलते हैं मोको कैरेक्टर, और मोको कैरेक्टर का जो एबिलिटी होता है उसको बोलते हैं हैकर्स आई। हैकर्स आई का जो पावर रहता है वो रहता आपको यहाँ पे 5 सेकंड के लिए आपको एनिमी का बिल्कुल करेक्ट पोजीशन बता देगा, उसके ऊपर में एक एरो बन जाएगा, चाहे एनिमी जितने बड़े कवर में भी क्यों ना रहे। तो एनिमी जितने ही बड़े कवर में रहेगा आप मतलब जब एनिमी के ऊपर ऐसा एक एरो बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एनिमी किधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पता चल गया कि एनिमी उस साइड जा रहा है तो आप इजीली उसके पीछे से जाके उसको आसानी से मार सकते हो। और गाइज अब आगे हम यहाँ पे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पे आ ही गए हैं तो एक और कैरेक्टर के बारे में बता दूं जिसका ज्यादातर लोग यूज नहीं करते और आलोक का यूज करते हैं, तो आलोक उनको ज्यादातर हेल्प नहीं करता है, लेकिन मैं जो अभी कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा वो कैरेक्टर आपको और भी ज्यादा हेल्प करेगा। गाइज मैं बात कर रहा हूं वुकोंग कैरेक्टर के बारे में। गाइज वुकोंग कैरेक्टर जो होता है इसका ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, मैंने देखा है इसके जगह पे आलोक का यूज करते हैं, लेकिन गाइज मैं बता रहा हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आलोक से ज्यादा ये काम आता है और मैं क्लास स्क्वाड में ज्यादातर इसी का यूज करता हूँ। बिकॉज जब भी कभी एनिमी डैमेज देता है और एनिमी मेरे को हद से ज्यादा डैमेज दे देता है ना, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। और इसको यूज करने से होता क्या है, जो डिफॉल्ट एम होता है, जो डिफॉल्ट एम मतलब फ्री फायर में क्या होता है, डिफॉल्ट एम काम करता है। अगर हम एनिमी को डैमेज देते तो उसके आसपास में भी अगर हम फायर करेंगे तो जो गोली होता है उसमें बिल्कुल करेक्ट लगेगा, बिकॉज यहाँ पे डिफॉल्ट एम काम करता है, ठीक है। अगर हम वुकोंग का एबिलिटी को यूज करेंगे, वुकोंग का जो वो झाड़ी हो जाता है, झाड़ी बन जाएंगे, तो 10 या 12 सेकंड में करेक्ट नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन कुछ सेकंड के लिए हम यहां पे झाड़ी बन जाएंगे। और अगर एनिमी हम पे शूट करेगा तो उसको बिल्कुल झाड़ी पे बैठा के मारना पड़ेगा, लेकिन वहां पे हम अगर मूवमेंट करेंगे तो उसका डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा और वो हमको नहीं मार पाएगा। सीधी अगर भाषा में बोलूं तो अगर आपको यहाँ पे पूरा स्क्वाड भी अगर घेर लेता है और आप अगर वुकोंग की एबिलिटी को यूज करते हो तो आप इजिली वहां से निकल सकते हो वुकोंग के पावर को यूज करके। और यहीं पे अगर आलोक रहे तो आलोक को आप यूज करके नहीं निकल पाओगे, उससे क्या होता है आलोक से बस आपको यहाँ पे HP थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी और थोड़ी देर के लिए आपका 20% तक मूवमेंट स्पीड फास्ट होगा। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट कैरेक्टर है यहाँ पे वुकोंग, और मोको को आपको ऑलवेज यूज करना है। और दो कैरेक्टर का जो स्किल बचता है आप वहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, आप चाहो तो वहाँ पे हायाटो का स्किल ले सकते हो और आप वहाँ पे केली या फिर जोसेफ को भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रीड एनिमीज माइंड के हमने
यहाँ पे टिप नंबर वन में बेस्ट कैरेक्टर की भी बात कर ली, तो बेस्ट कैरेक्टर की जब हमने बात कर ही ली है तो चलिए टिप नंबर टू में हम बात करते हैं बेस्ट गन के बारे में। बेस्ट गन का नाम सुन के मेरे को पता है बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे कि ये वही घिसे पीटे बातें बोलेगा, मतलब वही बोलेगा कि बेस्ट गन ये है वो है। लेकिन गाइज आज मैं जो आपको बेस्ट गन बोलने वाला हूँ वो आपका फ्री फायर का जो मतलब लाइफ है ना फ्री फायर का, आगे चल के जो आप फ्री फायर को परफॉर्म करने वाले हो उसको पूरा का पूरा चेंज कर देगा। देखो गाइज शॉर्ट रेंज में आप जो गन को यूज करते हो, मेरे को पता है यहाँ पे जो 95% बंदे हैं वो किसी भी गन को यूज कर देते हैं, मतलब वो दो गोली वाली शॉर्ट गन को भी कभी यूज कर देते, कभी M1014 को भी यूज कर देते और कभी MP40 को भी यूज कर देते, मतलब उनका कोई परमानेंट गन नहीं है जिसको वो हमेशा यूज करे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ बेस्ट गन में कि आपको हमेशा एक गन को यूज करना है और वो क्यों करना है। ठीक है, अगर आप M10 यूज कर रहे हो, अगर मान लो आप यहाँ पे M10 यूज कर रहे हो तो आपने आप मान लीजिए यहाँ पे आपने M10 यूज किया, उसके बाद नेक्स्ट मैच में आपने MP40 यूज किया, तो अगर आप फर्स्ट मैच में यहाँ पे M10 यूज करोगे तो आपका यहाँ पे आदत क्या बन जाएगा, एनिमी के बिल्कुल घर पे घुस के मारने का, बिल्कुल ही शॉर्ट रेंज में मारने का। ठीक है, और अगर नेक्स्ट मैच में आप यहाँ पे MP40 लेते हो तो आपका वो वाला पहले वाला आदत रह ही जाएगा और MP40 से भी आप बिल्कुल ही क्लोज रेंज में एनिमी के चले जाओगे। और ऐसे पे क्या होगा, एनिमी के पास अगर कोई शॉर्ट रेंज का गन हुआ बेस्ट वाला M1014 या फिर M1887 तो वो आपको आसानी से मार देगा बिकॉज आप MP40 लेके उसके बिल्कुल ही क्लोज रेंज में गए हो। तो यहाँ पे गाइज मतलब जो टोटल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको रेंज का इशू देखने को मिलेगा, मतलब गाइज रेंज में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। जी हाँ गाइज, रेंज में प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि आप सोचोगे कि MP40 शॉर्ट रेंज का गन है और आप बिल्कुल शॉर्ट रेंज में घुस जाओगे और M1014 आप सोचोगे कि मिड रेंज से ही मार देंगे, तो ऐसा होता है गाइज। मतलब बताना ये चाहता हूँ आपको कि गाइज एक गन को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे रेंज का इशू देखने को नहीं मिलेगा। आप शॉर्ट रेंज में बिल्कुल शॉर्ट रेंज में फाइट करते हो M10 से तो आपको यहाँ पे ऑलवेज आपका हैबिट बना रहेगा कि आप बिल्कुल शॉर्ट रेंज में घुस के ही मारोगे। ठीक है, तो ये बात आती है, आई थिंक आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हो और आप इस बात को समझे होंगे। ठीक है, और जो टिप नंबर 3 है, जादुई टिप जिसको मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जादूगरों वाला टिप है, उस टिप को अगर आप समझ गए तो आप किंग ही बन जाओगे शॉर्ट रेंज के। तो उस टिप की ओर चलते हैं, अब टिप नंबर 3 की ओर। और गाइज उससे पहले मैं आपको बता दूं तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे गेम के बारे में बोलूंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से पैसे जीत सकते हैं। अगर आपको क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कबड्डी जैसे गेम्स पे इंटरेस्ट है तो आप पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप के फैंटेसी गेम्स से हर दिन लाखों रुपए जीत सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना ही है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप डाउनलोड करें। गाइज यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है रेफर कोड, इस रेफर कोड में अगर आप फायर आइस लिखते हो FIRE EYES जो कि आपको आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है फायर आइस, तो इसको अगर आप यहाँ पे रेफर कोड पे लिखते हो और आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर होते हो तो आपको यहाँ पे 50 रुपये मतलब 50 रुपीज का आपको यहाँ पे कैश मिलेगा बोनस केस बिल्कुल ही इसमें रजिस्टर होते ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे पैसे कमाने के। अब गाइस सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत सारे गेम्स दिख रहे होंगे, इन गेम्स को खेल कर भी आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। उसके बाद गाइस फैंटेसी गेम्स के सेक्शन में जाएं, आज का जो भी लाइव मैच होगा उसके हिसाब से एक टीम बनाएं, आपके टीम के खिलाड़ियों को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे, आपके टीम का पॉइंट्स दूसरे टीम्स के कंपैरिजन में टॉप में है तो आपके अकाउंट में विनिंग के पैसे ऐड हो जाएंगे। पेटीएम फर्स्ट गेम्स फैंटेसी का फॉर्मेट बहुत ही इजी है और आप एक से ज्यादा टीम्स बना सकते हैं और आपके जीतने के चांसेस भी बढ़ा सकते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए और प्लेयर्स के फॉर्म के हिसाब से अपना टीम बनाइए। दोस्तों कैरिबियन लीग चल रहा है, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं तो मजा आने वाला है गाइस, आप भी अपने टीम बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो आप यहाँ पे जाके सिंपली इस ऐप को डाउनलोड करके मैं बता ही नहीं सकता कितने, लेकिन गाइस आप यहाँ पे लाखों में पैसे अर्न करके आप यहाँ पे डायमंड्स परचेज कर सकते हो और आप यहाँ पे आलोक और इलाइट पास जो मन चाहे आप वो ले सकते हो। ठीक है गाइस, जाओ जल्दी से डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे फायर आइस लगाना मत भूलना रेफर कोड में। तो अब चलते गाइस जो मैजिकल टिप होने वाला है, टिप नंबर 3 मैजिकल टिप। गाइस मैजिकल टिप जितनी ही तारीफ करूं इस टिप की उतनी कम है। ठीक है, तो टिप नंबर 3 है डोंट रश ऑन एनिमी, मतलब गाइस एनिमी के ऊपर आपको रश नहीं करना है। इस बात को अगर आप समझ गए और इस बात को अगर आप अपने गेम प्ले के ऊपर अप्लाई करते हो, आपको शॉर्ट
रेंज में कोई भी नहीं हरा सकता। अब इसको मैं डीप में आपको समझाता हूँ, तो डोंट रस ऑन एनिमी, मतलब गाइज आपको एनिमी के ऊपर कभी रस नहीं करना है और एनिमी का वेट करना है, मतलब आपका यहाँ पे जो काम आने वाला है वो आने वाला आपका पेशेंस, ठीक है, आपका पेशेंस यहाँ पे काम आने वाला है। ऑलवेज किसी कवर में आपने एनिमी को जैसे ही देख लिया, ठीक है, आपने एनिमी को देखा, एनिमी ने आपको नहीं देखा, तो बस एक छोटा सा कवर लेके, चाहे वो पेड़ का कवर हो या फिर किसी भी घर का कवर हो, कुछ भी कवर हो, उसका कवर लेके बस शांति से खड़े हो जाइए और ऐसा नहीं लगना चाहिए एनिमी को कि यहाँ पे बंदा है। बिल्कुल एनिमी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप यहाँ पे खड़े हो। जैसे ही एनिमी आराम से बिल्कुल मजे मजे में लूट वूट करता आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे निकल के मार देना है, मतलब एनिमी बिल्कुल ही हक्का बक्का हो जाए, बिल्कुल ही शौक रह जाए कि यहाँ पे भाई साहब कैसे इसने मेरे को निकल के मारा, भाई साहब वो भी डर जाए, ठीक है। तो ऐसे आपको हमेशा हमेशा कभी भी एनिमी के ऊपर रस नहीं करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। और कभी मान लीजिए आपको एनिमी ने देखा है और पूरा स्क्वाड भी आपके ऊपर रस कर रहा है, तो आप कभी भी खुले में दौड़ के मत चले जाना उनके सामने। अगर आपके सामने पूरा स्क्वाड भी रस कर रहा है ना, तो भी आपको एक कवर लेके बैठ जाना है और आपके ऊपर पूरा स्क्वाड रस करेगा तो एक एक बंदा करके रस करेगा, उनको आने देना है, एक कवर लेके बैठ जाना है, उनको आने देना है। जैसे ही बंदे आते हैं आपको निकल के मारना है, फिर से कवर लेना है, फिर निकल के मारना है। कभी भी खुद से रस करने मत जाना, खुद से खुले में मत जाना, वरना अगर दो तीन बंदे हुए तो आपको घेर के मारेंगे, और अगर एक भी बंदा हुआ तो भी वो आपको कवर लेके मार देगा, ठीक है। तो कभी भी ये बात आप समझ लो और अपने अंदर पेशेंस को जगाओ गाइस, कभी भी रस मत करना, चाहे वो बंदा दो मिनट बाद निकले, पाँच मिनट बाद निकले या फिर निकले ही ना, लेकिन कभी भी खुले में रस करने मत जाओ और एनिमी को आपके पास आने दो, ना कि आप एनिमी के पास जाओ। तो ये था मैजिकल टिप, इसको अगर आप समझ गए तो आपको अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा कि हमको एनिमी के ऊपर रस नहीं करना है, आपको अभी बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा। लेकिन आगे चल के जब भी आप अच्छा एक मतलब एक प्रो प्लेयर, एक लेजेंड प्लेयर बनोगे ना, उस टाइम आपको पता चलेगा कि एनिमी के ऊपर रस नहीं करना भी एक टिप होती है। और टिप नंबर 4 जो है ना, वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो भाई, मानता हूँ मैं आप लोगों को, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टिप नंबर 4 को जरूर से मानना, जरूर से फॉलो करना गाइस। टिप नंबर 4 है ट्रेनिंग रूम। अब गाइस ट्रेनिंग मोड जो होता है, ट्रेनिंग रूम, वो मैं आपको खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो बंदे खेलते हैं, जो अपना टाइम देते हैं ट्रेनिंग मोड में, और ट्रेनिंग मोड में जाके करते क्या है, स्नाइपर चलाते, कार 98 चलाते या फिर AWM चलाते, तो वहाँ पे ट्रेनिंग मोड बना है ट्रेनिंग करने के लिए, शॉर्ट रेंज की फाइट की प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेनिंग मोड बना है, या फिर कुछ भी लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज की फाइट की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग मोड बना है। लेकिन गाइज आप यहाँ पे उसका गलत यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे स्नाइपर चला रहे हो, वहाँ पे कोई फायदा नहीं है, आप ना सीख पाओगे और आप वहाँ पे जाके पता है क्या कर रहे हो, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और लोगों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। गाइस नीचे कमेंट करना आपका भी दिमाग खराब होता है कि नहीं जो कार 98 लेके ट्रेनिंग मोड में आ जाते, भाई साहब क्या ही लोग होते हैं वो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी अगर जाता है ट्रेनिंग मोड में कार 98 लेके, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ट्रेनिंग मोड में अपना भी टाइम वेस्ट और लोगों का भी टाइम वेस्ट मत करो, इससे ना आपका प्रैक्टिस होगा और जो लोग शॉर्ट रेंज के फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका भी आप यहाँ पे जाके कार 98 से मार के उनको भी मार देते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो ट्रेनिंग मोड में ऑलवेज यहाँ पे शॉर्ट रेंज की प्रैक्टिस करो, बहुत ही बेस्ट जगह है प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग मोड, चारों तरफ से बंदे आते हैं और बहुत ही बेस्ट जगह है, ठीक है। तो ट्रेनिंग मोड खेलो ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, मतलब इससे पहले आपने हमारा चैनल नहीं देखा है, तो आपको करना क्या है, सिंपली हमारे जो चैनल के वहां पे नीचे में आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। तो बस गाइस आज का ये वीडियो यही तक था, और अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।